तो कल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर लिए थे, उसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखे थे। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालते हैं, मॉडरेट रिएक्शन जो रहता है, जिसका स्पीड ना ज़्यादा हो ना कम हो। केमिकल काइनेटिक्स में कल हम लोग क्या क्या कर लिए हैं बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन मेन लिखना हम लोग सीख गया है। रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये चीज़ें, और इसको और जो फॉर्मूला डेवलप किए हैं वो किस एवरेज रेट, कल बताया था कोई भी इक्वेशन केमिकल रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का हो गया, एक हो गया एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस, एक हो गया एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज वाला कल हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी दिया हुआ 2a प्लस 4b गिव्स सी लाइक दैट, ठीक है। हाउ टू राइट दी एवरेज रेट इक्वेशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको कि हम लोग आर ओ आर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आर ओ आर भी बोलते हैं, तो कैसे लिखते हैं बेटे, पहले इसका लिखें, रिएक्टेंस जो है ए वन बाई टू, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंस का डिक्रीज करेगा इसलिए नेगेटिव साइन, ठीक है, डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस वन बाई फोर डेल ऑफ बी अपॉन डेल टी इक्वल टू वन बाई सिक्स डेल सी अपॉन डेल टी। रेट सारे का सेम रहेगा, कल एक एग्जाम्पल मैं बताया था, जैसे खाने का ही मान लो आप एप्पल और मैंगो दोनों खा रहे हो, तो दोनों एक एक जैसे खा रहे हैं तो वो दोनों का खाने का रेट तो सेम ही रहेगा और पेट का में अंदर जाने का भी सेम ही रेट रहेगा, इसलिए सारे इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो सारे के रेट क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मान लो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसको आर ओ डी बोलते हैं हम लोग, जैसे अपेयरेंस किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो मॉड में लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, तो जैसे मान लो रेट ऑफ डिस अपेयरेंस ऑफ ए, रिएक्टेंट ए का लिखना चाह रहे हैं, हाउ कैन राइट मॉड डेल ऑफ ए अपॉन डेल टी, यहाँ ध्यान देना है जो कोफिशियंट जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए उससे डिवाइड हम लोग नहीं करते हैं, उससे हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर डिवाइड क्यों किए थे, क्योंकि यूनिट एक मोल में कैलकुलेट करने की कोशिश किए थे, रेट रेट क्या होता है हमेशा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मोल लाइक दैट, तो रेट इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। यूनिट के बारे में भी कल डिस्कस किए थे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे किसी भी यूनिट डिफाइन करना होगा, ये क्या ऊपर में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड, तो वी कैन राइट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। गैस जल्दी रहेगा तो एटमॉस्फियर पर सेकेंड, गैस रहने पर एटमॉस्फियर पर सेकेंड। अब आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब टाइम स्पैन बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये जो डेल्टी जो है, ये जो डेल्टी जो होगा बहुत बहुत स्मॉल होगा, तभी हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम लोग करते क्या थे, बेसिकली आप ध्यान से देखो, जहाँ पर जैसे स्पीड की बात करते थे, एवरेज स्पीड कैसे पहले लिखते थे उसको देखो, एवरेज स्पीड हम लोग क्या करते थे, डेल एक्स अपॉन डेल टी यही लिखते थे,
एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना होगा, तो कैसे लिखते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहते थे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल टी टेंस टू जीरो यानी जो टाइम जो लिया गया उसको जीरो की तरफ लेके जाना, वेरी स्मॉल, राइट। उसके बाद इसको व्हाट यू कैन राइट, डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या होगा, लिमिट डेल्टी, इसी तरह से डिफरेंशिएशन भी डिफाइन करते हैं, जो डिफरेंशिएशन रूल डिफाइन करते हैं, क्या हुआ, एवरेज वैल्यू को यानी डेल्टी टेंस टू जीरो, ये पूरा फैक्टर ये क्या है, यही एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है, डी एक्स अपॉन डी टी, टाइम को छोटा कर दिए, राइट। तो वी कैन राइट, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टी टेंस टू एन, डेल्टी जो है टाइम जो है चेंज इन टाइम, उसको छोटा करना, जीरो को नजदीक लेके जाना है, जितने जीरो को नजदीक लेके जाएंगे होल टर्म नाउ वी कैन से डी एक्स अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस बताने के लिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल दिया रहता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वही इंस्टेंटेनियस की बात करता है। अब यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो एवरेज की बात हुआ ना, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब चलो पहले इसको देखें, ये क्या हो गया, डेल एल अपॉन डेल टी, ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, वी कैन राइट 1/2 डी ए अपॉन डी टी, लिमिट डेल टेल टेस टू जीरो कहें तो डिफरेंशिएशन दे देगा। उसी तरह से इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 डी बी अपॉन डी टी, इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 1/6 डी सी, डी सी अपॉन डी टी, ये क्या दे दिया, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। राइट बेटे, अब इसी चीज को हम ग्राफिकली भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी देख लें। dx अपॉन dt बेसिकली होता क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन मान लो दिया हुआ है x वर्सेस टाइम, ठीक है, किसी तरह से जो हम डिफरेंशिएट करते हैं इंस्टेंटेनियस की जो बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस है क्या बेसिकली, उसको सही तरीके से देखें, किसी भी पॉइंट पर इस पॉइंट पर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस क्या दे रहा है। अभी देखिए इंस्टेंटेनियस की dx अपॉन dt लेते हैं, ये मान लेते इस पॉइंट पर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो इस पॉइंट का ये क्या दे रहा है, इस पॉइंट का ये स्लोप dx अपॉन dt क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, dx अपॉन dt क्या देता है, किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप क्या है, dx अपॉन dt बेसिकली है क्या, डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं वो है क्या, किसी भी कर्व का स्लोप, जो हम लोग क्लास टेंथ में स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, स्लोप जो था y2 - y1 / x2 - x1, वो क्या देता था कि कर्व का स्लोप क्या है, ढलान क्या है, यानी वी कैन से कि ये जो इस पॉइंट पर स्लोप ये x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ थीटा। तो इंस्टेंटेनियस चाहे जो डिफरेंशिएशन की जो बात करते हैं वो किसी कर्व का डिफरेंशिएशन जो निकालते हैं वो बेसिकली क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व।
क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व, डिफरेंशिएशन जो देता है। डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, हमको इंस्टेंटेनियस निकालना है कि किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या है कर्व का स्लोप। तो ये क्या देगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। अंडरस्टूड बेटे, समझ में आ रही है बातें। तो डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि तो मैथमेटिक्स है इसलिए इसको मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है मेडिकल वालों के लिए। तो किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या देता है, उस कर्व का स्लोप देता है, कितना ढलान एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक, अब उसी तरह से क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो इसमें प्रॉब्लम्स ग्राफिकल अप्रोच से भी पूछता है। ग्राफ में आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा और कहेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे। अब किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, अब देखो इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट अपना ये है, रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम। रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे डिक्रीज कर रहा है, ये कर्व जो देगा, कर्व जो भी ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कर्व इसका ड्रॉ किए, कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे कैसे डिक्रीज करते जा रहा है और नीचे चला जाएगा ऐसे। कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिए हैं और दिस इज योर टाइम एक्सिस, ये ऑरिजिन। दिस कर्व रिप्रेजेंट्स टाइम के साथ ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अच्छा, इसका रेट निकालने के लिए हमें क्या देखे थे, आर ओ माइनस वन बाई टू डी ए अपॉन डी टी, यही था अभी जो लिखे थे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इसको ध्यान से देखें कि किसी भी पॉइंट पर, यानी इंस्टेंटेनियस तो भाई किसी पॉइंट पर निकालना पड़ेगा ना, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई रहेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड जो भी दिया है, 1.5 सेकेंड लाइक दैट, इस तरह से स्पेसिफाई रहेगा। तो किसी भी पॉइंट पे मान लो t1 टाइम पर, ये t1 टाइम पर हमें आपको ग्राफ में इस तरह से दिया रहेगा, ये ग्राफ दे दिया t1 पर ड्रॉ कर दिया और ये दे दिया 45 डिग्री, 45 से ज़्यादा है ये 135 मान लो रख दे। ठीक, और आपसे कहे कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, t1 टाइम पर ये जो स्लोप ड्रॉ किया गया है, ये जो स्लोप ड्रॉ किया गया है वो स्लोप का वैल्यू कितना है, m इक्वल टू 135 डिग्री। तो कहने का मतलब m इक्वल टू tan 135, ये स्लोप इसी तरह लिखते हैं ना tan के टर्म में, m इक्वल टू tan थीटा, दो है फॉर्मूला, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। किसी भी कर्व पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो निकालते थे ये 10th क्लास में पढ़े थे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1। एंगल के टर्म में स्लोप कैसे लिखते हैं, कर्व जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो जैसे ये थीटा एंगल, m इक्वल टू tan थीटा। हम ये क्यों कर रहे हैं कि ये क्या है, स्लोप है, जो कॉन्सेंट्रेशन ए का dA अपॉन dt है क्या, स्लोप dA अपॉन dt है क्या, डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ द कर्व, और स्लोप ऑफ द कर्व मुझे दिया हुआ है ये कितना स्लोप है, 135 डिग्री। इसको किसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ बेटे, tan 135 कैसे निकालेंगे, tan 135 90 प्लस, बोलो 90 प्लस कितना हो गया, 135 पहुंचाओ 45 डिग्री, हाँ
45 डिग्री, tan 90 प्लस 45 क्या होता है? हाँ साइन, साइन फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो cot 45, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री क्या है? ये देखो इस तरह से, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये फिर 270 डिग्री। हमने इसमें क्या ये कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताए थे? पहले तो इसमें ऑल पॉजिटिव, जितने ट्रिकोमेट्रिक, 6 ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, फिर सब उल्टा लेके चलो, कॉस एक से कॉस, तो 6 बेसिक ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है। 0 टू 90 के बीच में पड़ेगा तो छो पॉजिटिव रहेंगे, 90 से 180 डिग्री के बीच में पड़ेगा तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन का उल्टा वाला भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक। 180 से 270 के बीच में रहेगा तो टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, टैन याद रखो उल्टा वाला भी पॉजिटिव रहेगा, टैन पॉजिटिव और यहाँ कॉस पॉजिटिव, कॉस का मतलब उल्टा, सेक वाला भी पॉजिटिव। कैसे याद रखेंगे? ऑल स्टूडेंट टेंथ क्लास, ऑल एस से साइन स्टूडेंट, टेंथ टैन क्लास कॉस, ठीक है। ऑल स्टूडेंट क्लास टेंथ, ऑल स्टूडेंट क्लास टेंथ, ठीक है। ये समझ में आएगा कैसे कब कौन पॉजिटिव होगा, ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन। एक चीज और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मैं बताया था, वो क्या था बेटे कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, जैसे यहाँ लिखे ना 90 प्लस लिखे ना, 90 प्लस का मतलब इससे आगा, तो ध्यान देने का मतलब क्या है, ध्यान से देख लो बेटे, तुम लोग भी जो ने ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है कि बच्चे बुला जाते हैं tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, tan 270 प्लस समथिंग क्या होगा, tan 180 प्लस समथिंग क्या होगा। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलॉन्ग जो भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, यानी 0 से ऊपर 0 प्लस या 0 माइनस लिखे, या 180 से जैसे जैसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हैं जैसे कॉस, ये एक्स एक्सिस पे 360 भी आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा या कॉस 2 पाई माइनस थीटा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री आ जाएगा। यदि एक्स एक्सिस के प्लस माइनस करते हैं कोई भी छो में से छो ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉस, बेसिक फंक्शन डू नॉट चेंज, यानी साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, ये जैसे कॉस 2 पाई प्लस थीटा तो फंक्शन वही रहेगा, कॉस ही रहेगा और लिख देंगे थीटा, सिर्फ अब क्या ध्यान देंगे कॉस 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 2π1 है, ये 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस 2π माइनस थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बेसिक फंक्शन करने मतलब कॉस चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस पहले लिख देंगे, अब क्या है साइन का चक्कर, प्लस माइनस होगा क्या होगा, कॉस 2π माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, बोथ क्वाड्रेंट 2π माइनस 360 डिग्री, 2π माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, पोर्ट, पोर्ट में कौन पॉजिटिव है, कॉस, तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, अंडरस्टूड। 180 और 360, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइज कर रहे हैं एंगल, उसका बेसिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। कौन सा फंक्शन माइनस को बाहर निकाल देता है, साइन और टैन, अब वो अलग, उसको अभी उसको मिक्सअप मत करो अभी, वो अलग चीज है, वो अलग है, ठीक है बेटे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 0 डिग्री हो या 180 या 360 बेसिक फंक्शन छो को छो, बेसिक फंक्शन करने मतलब वो छो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, डू नॉट चेंज, साइन फिर और
ऑल स्टूडेंट क्लास टेन से कर लेंगे। उसी तरह से और क्लास एग्जाम्पल इसको देखने के कि हमेशा ये सब चीज जरूरत पड़ेगी। जैसे और ले लो तुम ये टैन 180 डिग्री प्लस 45, ठीक है। टैन 180 डिग्री की कहाँ है 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, फंक्शन डू नॉट चेंज, फट देना टैन लिख देंगे टैन 45 में, डेरी सेकेंड नहीं। अब साइन देखना है तो 180 प्लस 45 कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 45। इस क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव है, टैन साइन पॉजिटिव है। यही यदि कॉस 180 डिग्री प्लस 45 रहता, पहले फंक्शन डू नॉट चेंज, कॉस 45 डिग्री, साइन किस क्वाड्रेंट में है 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि टैन ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, साइन फट देना डाल देंगे माइनस। तो ये क्लियर हो गया, 0 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो बेसिक फंक्शन डू नॉट चेंज, साइन उसके बाद एज इट इज लिख कर साइन देख लेंगे क्या होगा। अब आ जाए दो एंगल बच गया 90 और 270। 90 डिग्री वाई एक्सिस पे जो एंगल हैं उससे हम प्लस माइनस करते हैं तो बेसिक फंक्शन चेंज। वाई एक्सिस पर यानी 90 डिग्री और 270 है तो बेसिक फंक्शन चेंज करने का मतलब साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा रहेगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा टैन थीटा हो जाएगा। सर वहाँ पे टैन 135 90 प्लस 45 लिखे हैं। हाँ हाँ तो वो 90 प्लस 45 सेकेंड क्वार्टर में चलेगा। हाँ हाँ सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ साइन, अब माइनस साइन देंगे। अच्छा माइनस कॉट, हाँ माइनस साइन देंगे तो अभी वही हम रोक दिए थे कि अभी देखें कि बेसिक ही पता नहीं है। तो आ जाओ इस पर करंट पर, अब जब आपका y एक्सिस के लॉन्ग रहेगा 90 डिग्री और 270 डिग्री पर प्लस माइनस कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन चेंज, फंक्शन चेंज करने का मतलब साइन होगा तो कॉस, टैन होगा तो कॉट, और उसके बाद क्या था बेटे, सेक होगा तो सेक होगा तो कॉसेक कहने का, और उल्टा भी चलेगा कॉसेक होगा तो सेक, और उसके बाद सारा होगा ना 3 × 6 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। अब जैसे मान लो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, वाई एक्सिस पर है, फंक्शन चेंज, साइन का कॉस फट देना कॉस 45 पहले लिख देंगे, फंक्शन क्या है साइन है, किस क्वाड्रेंट में है ये सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव ये पॉजिटिव, टैन 90 प्लस 45 फंक्शन चेंज, टैन का कॉट 45, कॉट 45 ठीक है, किस क्वाड्रेंट में गया सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, नेगेटिव राइट। उसी तरह से माइनस भी यदि रहेगा तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मान लो 25 20 डिग्री जो भी दिया है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, फंक्शन चेंज क्या हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, साइन देखना है 90 माइनस 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव, 270 पे आ जाओ, 270 पर कॉस 270 डिग्री प्लस 25 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, पहले तो बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन चेंज कॉस का साइन 25 डिग्री फट देना। अब साइन देखना है किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव होता है पॉजिटिव छोड़ देना, टैन टैन 270 डिग्री प्लस मान लो चाहे माइनस माइनस 45 तो टैन
y एक्सिस पर है, फंक्शन चेंज cot 45, एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan पॉजिटिव पॉजिटिव, सीख गया, अच्छा चीज है, कहीं रखने की कोई जरूरत नहीं। और हमेशा बच्चे बुलाते हैं, हमेशा बच्चे ये चीज बुलाते हैं, 100 में 99 बच्चे बुलाते हैं। ये यही ट्रिकोमेट्री का बेसिक रीड है, बेसिक रीड है, ये आप लोग को हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटे, इसको जाके एक बार दोबारा फिर कॉपी पे अपना डाल लीजिएगा, लिखकर वीडियो को देखकर। तो यहाँ पे आप जैसे आ जाए अपने कंप्यूटिव पॉइंट जहां पर थे, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे थे, कर्व दिया हुआ था, ये कितना आ गया बेटे स्लोप इसका एन टैन 135। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टैन 90 प्लस 45, वाई एक्सिस पे आ गया फंक्शन चेंज, टैन का कॉट कॉट हो गया 45, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, निगेटिव साइन, कॉट 45 टैन 45 होता है 1, कॉट 45 रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, माइनस 1 हो गया। तो ये क्या निकाले स्लोप, कौन सा वैल्यू डी ए अपॉन डी टी, ये माइनस 1 क्या कौन सा वैल्यू दिया, डी ए अपॉन डी टी का स्लोप, और यहां पर वैल्यू रख देंगे माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 बाई 2 मोल पर मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरह से ग्राफ से इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे, समझ में आए बेटे, राइट। उसी तरह से मान लो बी का कर्व दिया रहेगा आपको, और एक इसका कैसा जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का मान लो इस तरह से दिया रहेगा, अब देखो जैसे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन सी का दिया हुआ है, सी टाइम, अब इसका क्या हुआ, देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, अब ये मान लो किसी पॉइंट पर स्लोप दे दिया ये 60 डिग्री एंगल, एक तो एंगल के टर्म में देगा, एक कंसंट्रेशन के भी टर्म में देगा, अभी एंगल के टर्म में समझे हम लोग, तो एंगल के टर्म ये 60 डिग्री दे रहा है, अगर आप फाइंड दी रेट ऑफ रिएक्शन तो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इधर लिख लो बाबू, ये क्या हो जाएगा 1/6 डीसी अपॉन डीटी, क्योंकि अब ये डीसी अपॉन डीटी है क्या स्लोप, डीसी अपॉन डीटी है क्या स्लोप, अब ग्राफ को देखेंगे क्या दिया हुआ कर्व का स्लोप 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ये ध्यान देना है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज वाला लेंगे, मान लो समटाइम्स ये दे दिया तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, गलती यहाँ भी होती है, राइट, खास करके इसमें डिक्रीजिंग वाला में, ये डिक्रीजिंग वाला में जो एंगल दे देता है ना, तो जैसे ये दे दिया मान लो 45 डिग्री, बच्चे खटाक करने ही लेते हैं, लेना है ये एक्स एक्सिस से कितना एंटी क्लॉकवाइज, एंगल हम लोग किस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को ना, क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज मेजरमेंट पॉजिटिव, जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, राइट। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने का, तो यहाँ पर क्या हो गया tan 60 स्लोप m इक्वल टू tan 60 और tan 60 के वैल्यू रूट 3, राइट है बेटे, रूट 3 लिख दिए, अब यहां पर क्या क्या स्लोप 1/6 इंटू रूट 3 रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब यही चीज इस तरह से भी दे सकता है,
सेम प्रॉब्लम को ये तो क्या स्लोप के फॉर्म में क्वाड्रेंट के फॉर्म में भी दे, जैसे ऐसे स्लोप का फॉर्मूला ये भी है ना, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी दो कोऑर्डिनेट कर्व का दिया रहेगा, दो कोऑर्डिनेट आपका कर्व का दिया रहेगा और कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। जैसे सेम यही प्रॉब्लम इसी को इस फॉर्म में भी दे सकता है, ये मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक, दो टाइम पर एक दो सेकेंड पर एक मान लीजिए फोर सेकेंड पर ये वैल्यू दे दिया, मान लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो दो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, टू मोल पर लीटर, और यहाँ पर मान लीजिए सिक्स दे दिया, सिक्स मोल पर लीटर। कहता है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, फाइंड द, ये रिएक्शन दिया हुआ है इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन से हम क्या है कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, ये टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट देता क्या डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व। अब यहाँ पर इस कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, क्या करेंगे, एम इक्वल टू चेंज यानी कॉन्सेंट्रेशन डी सी डेल सी, डेल सी अपॉन डेल टी, डेल सी अपॉन डेल टी, डेल कहता फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो गया है सिक्स, इनिशियल टू, फाइनल टाइम फोर, इनिशियल टाइम टू, सिक्स में से टू गया फोर, फोर में से टू गया टू, कट क्या गया टू, स्लोप निकल गया। अब इसको वैल्यू को यहाँ रख देंगे, आर ओ आर वन बाई सिक्स इंटू टू वन बाई थ्री यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देगा ग्राफिकल अप्रोच इंस्टेंटेनियस में, इंस्टेंटेनियस में ग्राफिकल अप्रोच से ही, और एक मिनट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आसान भी है, राइट बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट है पूछते चलो, गाड़ी उठते रहना है हमको, वो सिक्स ही है ना, ये यहाँ सिक्स, ये देखो ये सिक्स मोल पर लीटर, सिक्स मोल पर लीटर, सिक्स मोल पर लीटर, सिक्स मोल पर लीटर, राइट। अब एक आप लोग खुद अपने से प्रैक्टिस करो, मिटा दो अभी को, जैसे दिया हुआ है एन टू प्लस थ्री एच टू दैट गिव्स प्लस एन एच थ्री, और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ ग्राफ एच टू टाइम कब देखते ही समझ जाना कि ये रिएक्टेंट हो गया, ये सब भी ध्यान लगाने हैं, इंक्रीजिंग हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन मीन्स रिएक्टेंट होगा, इंक्रीजिंग जैसा ग्राफ देगा तो आप अंडरस्टैंड तो प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है, समटाइम्स ऐसे कब दे देगा पूछ जाए दू भाई ये रेट किसका दे रहा है, रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का है, राइट बेटे। तो ये जैसे वैल्यू दे दिया मान लो सिक्स मोल पर लीटर, और इधर टू मोल पर लीटर इस वजह से दिया हुआ है, टाइम टू एट सेकेंड, टू सेकेंड एट सेकेंड, पहला पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन, और आर ओ डी, आर ओ डी ऑफ एच टू, दूसरा थर्ड आर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन एच थ्री,
एनसीईआरटी से ये सारे से पढ़ लेना, ये सारे कंप्लीट हो गया। ये जो भी प्रॉब्लम दिया रहता है इस सब बनाते यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ये दोनों प्रॉब्लम जो दिया हुआ है 4.1 4.2 ये सारे कंप्लीट, यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो एनसीईआरटी से ये सारे लगाते चलना है। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी एन टू डी टी माइनस 1/3 डी एच टू डी टी 1/2 डी एन एच थ्री डी टी। ये सही है। अब यहां से कौन सा स्लोप निकाल सकते हो, डी एच अपॉन डी टी, डी एच अपॉन डी टी निकल सकता है आराम से। क्या हो जाएगा, डी एच टू अपॉन डी टी, कहने का मतलब ऊपर में क्या है फाइनल वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन 2 माइनस 6 ऊपर लिख दिए और नीचे में टाइम फाइनल 8 माइनस 2 क्या हो गया -4 ये 6 -2/3। अब इसमें पुट कर देंगे आर ओ क्या हो गया -1/3 इंटू -2/3 -(+2/9) ROD ऑफ H2 करने का मतलब क्या हो गया, ROD ऑफ H2 में मॉड DH2 dt स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है 2/-2/3 फिर 2/3 दे देगा। क्योंकि इसमें हम डिवीजन नहीं करते हैं। ROA ऑफ NH3 निकालना है। ये देखो यहाँ पर, यानी ये वैल्यू निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू कितना है 1/2 d/NH3 dt। पहले देखेंगे रेट 2/9 के बराबर है, इसको उधर ले जाएंगे d/NH3 dt 2 उधर गया 4 4/9 रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ NH3 कितना हो गया 4/9 ठीक है बेटे, इसको आज जाके देख लीजिएगा।
नेक्स्ट इज हम लोग इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को अब करेंगे। एनसीईआरटी का जितना दिया वो सारा कंप्लीट कर लेने का, क्योंकि आपके लिए मेडिकल के लिए एनसीईआरटी ही बुक ग्रंथ है। प्लस टू का भी काम हो जाएगा और नेट का भी काम हो जाएगा, जो अच्छी तरह से एक एक लाइन का सब कर लिया ना तो समझो 90% काम उसका हो गया। जो एनसीईआरटी पे कमांड कर लिया नेट में तो 500 इजीली क्रॉस सारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की बात कर रहा हूँ, 500 उसको कोई नहीं रोक सकता है। कि 150 नंबर पाने के लिए वही सेट से प्रैक्टिस करना है, लेकिन पहले वो 500 के लिए वो 150 भी आराम से हो जाए, जब ये 500 पहुंच जाएंगे तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा एक्सीड करने के लिए, लेकिन पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 क्रॉस करने के लिए वो एनसीईआरटी पे पूरा पकड़ बनाना होगा। एनसीईआरटी का हर एग्जांपल हर लाइंस उसको अंडरस्टैंड करना, एक बार दो बार कम से कम 3-4 बार 5 बार उसको स्टडी कीजिए। पढ़िए नीट है टोटली आपके मेरिट पर, मेहनत पर, और मेंस भी वही है। हाँ फाइनल एडवांस के लिए दिमाग का खेला है आईआईटी के लिए, लेकिन मेंस का और इधर नेट का जो जितना मेहनत कर सकता है सख्ती से, लेकिन अब इसके लिए ये नहीं करने का कि चार तो करते डिनर है इंटरेस्ट के साथ। अब विदाउट इंटरेस्ट कोई कहेगा 12-13-14 तो वो कोई फायदा नहीं, वो जीरो के बराबर है। आप इंटरेस्ट से 10 घंटा पढ़ रहे हैं वो बहुत है, लेकिन ये कहने में या करने में बहुत डिफरेंस है। आई अंडरस्टैंड, मैं भी तो इजली बोल दिया, 1 घंटा बैठना सबकी बस की बात नहीं है कंटिन्यूअस। 1 घंटा रेगुलर सही में स्टडी करना में बहुत कुछ खिंचा जाते हैं, लेकिन क्या है अपना मन जो है ना मन अस्थिर रहता नहीं है। अभी कुछ सोचते थे ओहो उधर सब समोसा का खुशबू आ रहा है, मम्मी समोसा बन गया है क्या, दिमाग तो समोसा तब चला गया इधर गया फिजिक्स खत्म। कोई आते ही घंटी बजाया कौन है, आपका आधा घंटा डिस्टर्बेंस गया। तो ये सबके साथ होती है, फोन आ गया देखो मैसेज आया टूं टूं, पहले आप मैसेज तब ही ध्यान जाएगा। तो रियल में मेरे को यानी 1 घंटा कंसंट्रेशन इतना मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। मैं भी कोई सा तो अंगशील तो मैं भी कम प्लस पी जैसा मैं भी बोल दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना वेरी टफ हुआ, लेकिन बिना किए कोई उपाय भी नहीं है बेटे, ये भी है। जब तक नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं। ठीक है बेटे आज यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग बायो वाला मैथ वाला अपना काम किया।